नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग करियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, इस सेक्शन में हम डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के सेकेंड ईयर कोर्स पैथोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। आप सबका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूँ। आज हम माइक्रोटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम निम्नलिखित पॉइंट कवर करेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ माइक्रोटॉम, नाइफ यूज्ड इन माइक्रोटॉम, माइक्रोटॉम नाइफ शार्पिंग, पैराफिन सेक्शन कटिंग के बारे में पढ़ेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोटॉम के बारे में कि माइक्रोटॉम होता क्या है। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप सेक्शन की शुरुआत में जहाँ मैनुअली प्रिपेयर्ड रेजर ब्लेड मशीनों का यूज़ करके तैयार किया गया है, जो पैथोलॉजी के लिए, हिस्टोलॉजी में एप्लीकेशन के लिए एक सैंपल से एक्सटर्नली थिन सेक्शन को कट करते हैं। सैंपल के टाइप और डिजायर्ड थिकनेस के बेसिस पर डायमंड ब्लेड के लिए स्पेशल ग्लास का उपयोग करते हैं। सभी माइक्रोटॉम्स मेन पार्ट से कंसिस्ट होते हैं, बेसिस, नाइफ अटैचमेंट, टिश्यू होल्डर के मटेरियल, सेक्शन थिकनेस को एडजस्ट करने के लिए एक एडवांस मैकेनिज्म का उपयोग किया जाता है। मॉडर्न माइक्रोटॉम प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट है जो समान रूप से थिन सेक्शन को कट करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के लिए जहाँ कई सौ हजारों का मैग्निफिकेशन संभव है, एक सेक्शन की थिकनेस आमतौर पर 10 नैनोमीटर के ऑर्डर की होती है। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोटॉम्स के बारे में। कैम्ब्रिज रॉकिंग माइक्रोटॉम, रोटरी माइक्रोटॉम, बेसलेस माइक्रोटॉम, स्लाइडिंग माइक्रोटॉम, फ्रीजिंग माइक्रोटॉम या क्रायोस्टेट शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं अपन कैम्ब्रिज रॉकिंग माइक्रोटॉम के बारे में। यह केवल पैराफिन सेक्शन कटिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह डिज़ाइन में ओल्डेस्ट, चीप और यूज़ करने में सिंपल होता है, एक्सटर्नली रिजेबल होता है, टिश्यू आर के माध्यम से आगे बढ़ता है क्योंकि यह नाइफ की ओर बढ़ता है, जिससे सेक्शन कर्व्ड प्लेन में कट जाता है। बहुत थिन सेक्शन को प्राप्त करना डिफ़िकल्ट होता है। यह एक मेजर डिसएडवांटेज ब्लॉक के आकार की एक लिमिट है जिसे काटा जा सकता है। इस स्लाइड में कैम्ब्रिज रॉकिंग माइक्रोटॉम को दर्शाया गया है। अब अपन बात करते हैं रोटरी माइक्रोटॉम के बारे में। माइक्रोटॉम ऑपरेशन एक हैंड व्हील के एक्शन पर आधारित होता है, जो एक ब्लॉक के एडवांसमेंट को रिजिडिटी हेल्ड नाइफ के टू वर्ड्स एक्टिवेट करता है। ब्लॉक लाइफ के संबंध में एक वर्टिकल प्लेन में अप और डाउन चलता है और इसलिए फ्लैट सेक्शन में कट करते हैं। मशीनें लाइट वेट होती है, एक कंटिन्यूस रिबन में पैराफिन वैक्स मटेरियल को काटने के लिए सूटेबल माइक्रोटॉम है। हैवी ड्यूटी के लिए मोटर ड्राइवन इंस्ट्रूमेंट को सिंथेटिक्स रीजन में एम्बेडेड हार्ड मटेरियल सेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। फ्रोजन सेक्शन को कटिंग करने के लिए रोटरी माइक्रोटॉम अधिकांश स्टेट्स मिलता है। इस स्लाइड में रोटेटरी माइक्रोटॉम के डायग्राम को बताया गया है। अब अपन बात करते हैं बेसलेस माइक्रोटॉम के बारे में। यह लाइट माइक्रोस्कोपी के लिए होल ऑर्गन सहित पैराफिन और रेजिन एम्बेडेड मटेरियल के लार्ज ब्लॉक्स को कटिंग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जब लार्ज हार्ट ब्लॉक्स की करते समय एक मेजर एडवांटेज होता है। इसका उपयोग वेरियस इंस्ट्रूमेंटल एप्लीकेशन, वुड्स, प्लास्टिक एटसेट्रा से मटेरियल को कट करने के लिए भी किया जा सकता है। ब्लॉक होल्डर को एक स्टील कैरिज पर लगाया जाता है, जो बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल नाइफ के साथ स्लाइड करता है। इसके एडवांटेज की बात करें तो ये हैवी, वेरी स्टेबल, वाइब्रेशन के अधीन नहीं होता है। पैराफिन वैक्स एम्बेडेड सेक्शन बहुत ईजिली कट जाते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो प्रैक्टिस के साथ रूटीन पैराफिन ब्लॉक से सेक्शंस को किसी भी अदर टाइप के माइक्रोटॉम के रूप में क्विकली काटा जा सकता है। इस स्लाइड में बेसलेस माइक्रोटॉम को दर्शाया गया है। अब अपन बात करते हैं स्लाइडिंग माइक्रोटॉम के बारे में। स्लाइडिंग माइक्रोटॉम और पहले डिस्क्राइब्ड मॉड्यूल्स के बीच फंडामेंटल डिफरेंस यह है कि किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ ब्लॉक स्थिर रहता है, जबकि सेक्शन की प्रोसेस के दौरान माइक्रोटॉम नाइफ चलता रहता है। सिलोडोइन एम्बेडेड टिश्यू ब्लॉक्स को कटिंग करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नाइफ और स्टेशनरी होते हैं,
इसे सेक्शन के दौरान स्पेसिमेन स्लाइड करते हैं। पैराफिन वैक्स एम्बेडेड सेक्शंस के लिए भी उपयोग किया जाता है। इस स्लाइड के अंदर स्लाइड माइक्रोटोम को दर्शाया गया है। अब अपन बात करते हैं फ्रीजिंग माइक्रोटोम के बारे में। माइक्रोटोम की यह फॉर्म थिन टू सेमी थिन सेक्शन को फ्रेश फ्रोजन टिश्यू कटिंग के लिए उपयोग की जाती है। फ्रीजिंग माइक्रोटोम एक ऐसी स्टेज से इक्विप्ड होती है जिस पर सिलेंडर से लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके टिश्यू को क्विकली फ्रोजन किया जा सकता है। कुछ कूलिंग सिस्टम नाइफ को सेम टाइम में कूल करने के लिए अलो करते हैं। इस टाइप के माइक्रोटोम के साथ थिन सेक्शन को प्राप्त करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इस स्लाइड के अंदर फ्रीजिंग माइक्रोटोम को दर्शाया गया है। आइए इससे जुड़ा अपना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। विच काइंड ऑफ माइक्रोटोम इज यूज्ड फॉर द फ्रोजन टिश्यू? तो इसके ऑप्शन है बेसलेस माइक्रोटोम, स्लाइडिंग माइक्रोटोम, फ्रीजिंग माइक्रोटोम या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा फ्रीजिंग माइक्रोटोम, यानी कि ऑप्शन 3। अब अपन बात करते हैं नाइफ यूज्ड इन माइक्रोटोम के बारे में। तो टिश्यू के यूनिफॉर्म थिन सीरियल सेक्शन को कट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट में से एक है। रूटीन पर्पस के लिए वेज नाइफ का उपयोग किया जाता है। यह दोनों स्लाइड होता है। साइज 100 मिलीमीटर से 350 मिलीमीटर की लेंथ में भिन्न होता है। नाइफ्स के टाइप्स की बात करें तो ये है स्टील नाइफ, ग्लास नाइफ, डायमंड नाइफ, सेपरिनिन नाइफ शामिल है। नाइफ प्रोफाइल की बात करें तो इसमें प्लेनोकोन के, बायकोन के, वेज, टूल, एज शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं प्लेनो कॉनकेव के बारे में। इसका यूज़ प्राइमरली नाइट्रोसेलुलोज एम्बेडेड टिश्यू का कटिंग करने के लिए किया जाता है। बायकॉनकेव की बात करें तो इसका यूज़ रॉकिंग माइक्रोटोम में किया जाता है। शार्प करने के लिए इजी होता है ये। वेज की बात करें तो कटिंग फ्रोजन सेक्शन को ओरिजिनली डिज़ाइन करने के लिए किया गया है। किसी भी माइक्रोटोम पर सभी प्रकार के सेक्शन को कटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। टूल एज की बात करें तो यह मुख्य रूप से सेक्शन एक्सेप्टनली हार्ड टिश्यू के लिए यूज़ किया जाता है। डीकैल्सिफाइड डेंस कॉर्टिकल बोन्स के लिए यूज़ किया जाता है। अनकैल्सिफाइड बोन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। विच काइंड ऑफ नाइफ इज यूज फॉर डीकैल्सिफाइड कॉर्टिकल बोन? तो इसका सही आंसर होगा टूल एज, यानी कि ऑप्शन 4। अब अपन बात करते हैं माइक्रोटोम नाइफ शार्पिंग के बारे में। मैनुअल प्रोसीजर या ऑटोमेटिक प्रोसीजर जिसमें होनिंग स्टॉपिंग शामिल है। सबसे पहले बात करते हैं होनिंग के बारे में। माइक्रोटोम नाइफ को एक स्पेशल स्टोन के अगेंस्ट शार्प किया जाता है जिसे होन के रूप में जाना जाता है। होनिंग नाइफ के कटिंग एज को ग्रिडिंग के लिए एक हार्ड एब्रेसिव सरफेस पर नाइफ को शार्प करने के लिए संदर्भ करता है। एब्रेसिव सरफेस के लिए स्टोन के टाइप्स की बात करें तो बेल्जियन ब्लैक वेन और अर्गेंसेंस और कार्बोरंडम कंपोजाइट्स शामिल है। हॉर्न्स को नॉन स्कीड सरफेस पर रखते हैं। डैम क्लॉथ का उपयोग हॉर्न के मूवमेंट को रोकने के लिए किया जाता है। लुब्रिकेशन के लिए लाइट लुब्रिकेटिंग ऑयल सोपी वाटर का यूज़ किया जाता है। कटिंग एज ऑपरेटर और रफली हील से दूर सामने की ओर होता है और लगभग हॉर्न के नियरेस्ट एंड के सेंटर में होता है। नाइफ को थंब और फोर फिंगर के बीच, बैक पर थंब और फ्रंट सरफेस पर फोर फिंगर को रखा जाता है। नाइफ को हील के टो की ओर हॉर्न के अदर एंड पर फॉरवर्ड डायगोनली पुश किया जाता है। अपनी बैक के ऊपर से घुमाया जाता है और जब तक हील सेंटर के कटिंग एज के साथ सेंटर में नहीं हो जाता है तब तक पूरी तरह घुमाया जाता है और फिर डायगोनली तरीके से वापस लाया जाता है। फिर इसे पूरे ओरिजिनली पोजीशन में बदल दिया जाता है जैसा कि इस डायग्राम में दर्शाया गया है। अब अपन बात करते हैं स्टॉपिंग के बारे में। एक ऑलरेडी फेयरली शार्प एज को पॉलिशिंग करने की प्रोसेस होती है। फ्लेक्सिबल या हैंगिंग या राइज्ड हो सकता है। यूज़ करने से पहले और रेगुलरली स्टॉप्स को ऑयल्ड और ड्रेस्ड फाइन कार्बोरंडम
पावर से तैयार किया जाता है। राइज्ड टाइप एक सिंगल लेदर स्टॉक होता है जो वुडन फ्राम पर लगभग 12 इंच लेंथ इंटू 2 इंच विड्थ इंटू 2 इंच हाइट तक फैला हुआ होता है। नाइफ को फोर फिंगर और थंब के साथ रखे गए ऑपरेटर नाइफ की ओर कटिंग एज के आसपास के एंड पर रखा जाता है। एक्शन होनिंग के ठीक विपरीत होती है। इस डायग्राम के द्वारा हम इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं पैराफिन सेक्शन कटिंग के बारे में। तो सबसे पहले इसके इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। तो इसमें वाटर बाथ, हॉट एयर ओवन, क्लीन स्लाइड, आइस ट्रे, पेंसिल, टेजिंग नीडल का यूज़ किया जाता है। इसके टेक्निक्स की बात करें, नाइफ को नाइफ होल्डर में इंसर्ट करें और कस कर स्क्रू करें। ब्लॉक को ब्लॉक होल्डर में फिक्स करें और सुनिश्चित करें कि यह सिक्योर है। फीड मैकेनिज्म एडजस्ट किया जाता है जब तक कि वैक्स ब्लॉक नाइफ को ऑलमोस्ट टच नहीं हो जाए। सुनिश्चित करें कि ब्लॉक की होल सरफेस नाइफ के पैराफिन मूव करे ताकि सेक्शन का स्ट्रेंथ रिबन प्राप्त हो। फुल्टी सेक्टोनियंग से बचने के लिए सभी स्क्रू टाइट करने चाहिए। ब्लॉक ट्रिमिंग सेक्शन के लिए रफ नाइफ के साथ 15 माइक्रोन की मोटाई ली जाती है। शार्प नाइफ का इस्तेमाल सेक्शनिंग के लिए किया जाता है। रूटीन वर्क के लिए आवश्यक मोटाई 4 से 5 माइक्रोन की मोटाई। गोज को रेस्ट करें। ब्लॉक को सरफेस पर आइस अप्लाई करें ताकि वैक्स हार्ड हो जाए, जो फ्रैक्शनल हार्ड से सॉफ्ट हो जाएगा। रिबन के रूप में सेक्शन का एक स्मूथ कंटिन्यूस प्लास्टिक फ्लो होना चाहिए। जब रिबन बंद हो जाता है तो इसे एक फाइन मॉइस्चर ब्रश या फोर्सेप्स के साथ जेंटली से पकड़ा जाता है और फिर वाटर बाथ में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर क्रेसेस को हटाने के लिए सेक्शन को वाटर बाथ, जिसका टेम्परेचर वैक्स के मेल्टिंग पॉइंट के नीचे 5 to 6 डिग्री होता है, पर तैरने दिया जाता है। क्लीन या एल्बुनाइज्ड स्लाइड पानी में आधा डुबाया जाता है और एक डिस्कैक्टिंग नीडल का उपयोग करके सेक्शन को उठाया जाता है। फिर स्लाइड को एक अपराइट पोजीशन में ड्रॉइन करने के लिए सेट किया जाता है। स्लाइड को इंक्यूबेटर में रखा जाता है। प्लेन स्लाइड के लिए 37 डिग्री ओवरनाइट और एल्बुनाइज्ड के लिए 2 आवर्स 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आइए इसी से जुड़ा अपन एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। माइक्रोटॉम नाइफ कैन बी शार्पिंग बाय ब्लैंक स्पेस मेथड। तो इसके ऑप्शन है हॉर्निंग, स्टॉपिंग, बोथ ऑफ दिस या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा बोथ ऑफ दिस, यानी कि ये दोनों। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।